जय गुरु बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, टेक्नोलॉजी है। चलिए हास वासा नाम ले लेते हैं। आर डी के ओम जय गुरु जी, धीरज पूर्वे जय गुरु जी, श्रेयंस जय गुरु जी, जितेंद्र शर्मा जय गुरु जी, लर्निंग पॉइंट जय गुरु जी, जो भी हो ज्योति कुमारी जय गुरु जी, स्ट्रीम निकेश नीतीश कुमार जय गुरु जी, अंचल झा जय गुरु जी, सोरनाथ जय गुरु, सोरनाथ सिंह जय गुरु जी, राइडर रंजन जय गुरु जी, प्रिंस पारितोष जय गुरु जी, पुष्पांजलि जय गुरु जी, आशीष जय गुरु जी, शंकर जय गुरु जी, विशाल जय गुरु जी, राहुल जय गुरु जी, मुकेश जय गुरु जी, स्वर्णा जय गुरु जी, प्रिंस शंकर नीरज अभी सबके गुड्डू सबके सबके साथ जय गुरु जी। ओके एवरीथिंग। चलो बच्चे लोग, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ, चूंकि टेक्नोलॉजी में फिर चेंज किए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे और हाँ, और कुछ जवाब भी आप लोगों को देना होगा और नाम भी लेंगे। कंडोपॉइंट, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पहला क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम को कहते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया का नाम किसने दिया? एनिमेलिया का नाम, एनिमल किंगडम को कहते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया का नाम किसने दिया? फर्स्ट वन कौन जवाब देता सही आंसर? एनिमेलिया का नाम किसने दिया? सबसे पहले देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देगा। एनिमेलिया का नाम किसने दिया? एनिमेलिया का नाम किसने दिया? चलिए तो राइट आंसर है गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार सबसे पहला जवाब दिया कार्लस लिनियस, मतलब शॉर्टकट लिखा कार्लस, मतलब गुड्डू कुमार। वेरी गुड, फर्स्ट समय फर्स्ट आंसर दिया पहली बार गुड्डू कुमार ने कार्लस लिनियस। लिनियस वाइटकर नहीं, आरएस वाइटकर नहीं, आरएस वाइटकर तो केवल पंचायत में नाम दिया था। कार्लस लिनियस, कार्लस लिनियस साहब ने एनिमेलिया किंगडम का नाम एनिमेलिया दिया था। तो पहला जवाब कौन दिया था? गुड्डू कुमार। अब चलिए बात, एनिमेलिया को नोटोकोड के आधार पर, मतलब एनिमल्स को नोटोकोड के आधार पर दो भाग बांटा गया, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। इसमें हम लोग किस में आते, हम लोग किस में आते, कॉर्डेट्स में कि नॉन कॉर्डेट्स में? हम लोग किस में आते, किस में आते, कॉर्डेट्स में नॉन कॉर्डेट में? कोई कुछ जवाब जवाब कोई कुछ, हम लोग किस में आते, कॉर्डेट्स में कि नॉन कॉर्डेट्स में? हम लोग किस में आते, किस में आते? चलिए पहला जवाब दिया सुनील कुमार पंडित। उसके आप क्विक पढ़ने पाए, जो भी कॉर्डेट्स बोले हैं और सबके मुंह में घी लड़ू शक्कर, जो जो स्टूडेंट आप लोग कॉर्डेट्स बोले उस सबके मुंह में घी लड़ू शक्कर, सबके साथ बहुत सारे स्टूडेंट कॉर्डेट्स जवाब दिया। चलिए काउंट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, नॉन कॉर्डेट्स में जिसके पास में नोटोकॉर्ड नहीं होते, मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मतलब इम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, उस नॉन कॉर्डेट्स में टोटल कितने फाइलम हम लोग पढ़ना है? हम लोग को कितना फाइलम पढ़ना था, कितना फाइलम पढ़े हैं नॉन कॉर्डेट्स में, कितना फाइलम, हाउ मेनी, नंबर लिखना, टाइप करना, हाउ मेनी फाइलम इन नोटोकॉर्ड्स, नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में कितना? चलिए पुष्पांजलि राइट, उसके बाद में आशीष रंजन राइट, अमीषा राइट, उसके बाद गुड्डू, उसके बाद तो लग गया अमित, उसके बाद में तो विशाल पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना स्पीड में आप लोग जवाब देते हो ना कि हम बोल नहीं पाएंगे। चलिए अगर बोलते हम लोग, अब करंट 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 हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमेलिया किंगडम। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा, सुनिएगा, एनिमेलिया किंगडम में सबसे पहला, सबसे पहला जो फाइलम है वह है पोलीफेरा। पोलीफेरा समुद्र में रहता है, मोनली मेनली मोस्टली समुद्र में रहता है, वो सिल्वर ग्रेड का है, ओके ठीक है, उसके पास में सब कुछ सेल से होता है, लेकिन उस सेल उसके शरीर में पोलीफेरा फाइलम के जीव को कहते हैं स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज को सब कुछ सेल से होता है, लेकिन स्पॉन्ज में सेल से सब कुछ होता है, उस सेल को सब कुछ करने के लिए कौन सिस्टम स्पॉन्ज में मदद करता है, कौन सा सिस्टम स्पॉन्ज को मदद करता है सब काम करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, खाना खाने के लिए, सांस लेने के लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए, कौन सिस्टम, कौन सिस्टम स्पॉन्ज में, कौन ऐसा सिस्टम है जो उसको मदद करता है काम करने के लिए, उसके सेल को काम करने के लिए? पुष्पांजलि कुमारी, पहला जवाब दिया पुष्पांजलि कुमारी, केनाल सिस्टम, लेकिन पूरा अधूरा बात है, अभी पूरा बात नहीं हुआ, केनाल सिस्टम, वाटर केनाल सिस्टम। तो स्वर्णा सिंह ने सही पूरा जवाब दिया, स्वर्णा सिंह ने वाटर केनाल सिस्टम, वाटर केनाल सिस्टम, हम उन्हें बिठाए होंगे, वाटर केनाल सिस्टम, वाटर केनाल सिस्टम। चलिए तो वाटर केनाल सिस्टम से सब कुछ करता है। आगे बताइए सिलेंटेटा फाइलम को, सिलेंटेटा फाइलम को निर्या करते, सिलेंटेटा फाइलम को निर्या करते किसके नाम पर निजरिया कहा जाता है? सिलेंटेटा फाइलम को निजरिया कहा जाता है, आखिर निजरिया उसको नाम क्यों दिया, आप उसमें क्या विशेषता था कि निजरिया नाम दिया?
क्या विशेषता से क्रिंजेरिया नाम दिया? अच्छा, वीडियो, अच्छा ठीक है, आ जाएगा जाएगा बच्चों, रुक जाओ जाओ, वेट 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 वेट, चूंकि आप लोग को तो हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि क्या करें, इन्हें कर दो हैं, पहुंच बच्चों, जाए मुझे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, लाइन कट गया था, तो आज बहुत ज़्यादा लाइन कट रहा आ रहा है। चलिए फिर से नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग कंट्रो पॉइंट थे, तो फिर से आंसर वही आंसर दो कि सिलेंटेटा फाइलम को, सिलेंटेटा सिलेंटेटा फाइलम को नाम निडेरिया कहते, निडेरिया नाम क्यों दिया जाता, सिलेंटेटा फाइलम को निडेरिया कहते, निडेरिया नाम क्यों दिया जाता। चलिए चलिए गौ कौन 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 जवाब, सिलेंटेटा फाइलम को निडेरिया कहा जाता है, निडेरिया नाम क्यों दिया? अरोज कुमार कह रहा था नीरोब्लास्ट सेल, चलिए उसके बाद आकाश कुमार नीरोब्लास्ट सेल, वेरी गुड, गुड्डू कुमार नीरोब्लास्ट सेल, नीरोब्लास्ट सेल के चलते उसके नाम दिया है निडेरिया। आगे बढ़ते, फाइलम सिलेंटेटा के शरीर में दो रूप होते, फाइलम सिलेंटेटा के जीव में शरीर में दो रूप होते, वो दोनों रूप का नाम क्या, फाइलम सिलेंटेटा के शरीर में दो रूप होते, दो रूप का नाम क्या, पहला जवाब देते कौन देता है, कौन देता है, सिलेंटेटा फाइलम के जीव में दो रूप होते हैं, दो रूप का नाम क्या है, वो दोनों रूप का नाम क्या है, बस बस अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पहला जवाब है पुष्पांजलि कुमारी, बाप दादी पुष्पांजलि कुमारी, पोली पर मेडूसा, पहला जवाब पुष्पांजलि, उसका गुड्डू, वेरी गुड, दो दो चला गुड्डू में और पुष्पांजलि में, पोली पैन मेडूसा, पोली पैन मेडूसा, पोली पैन मेडूसा, अब बता जाए
पोलीप एंड मेडुसा, पोलीप है बेलनाकार और मेडुसा है छतरी नुमा, पोलीप है बेलनाकार मेडुसा है छतरी नुमा। अब देखते कितने स्टोन, हम एक पे नोटिस कर दीजिए, क्वेश्चन पूछेंगे कितने स्टोन जवाब दे सकता है कि पोलीप है सिलिंड्रिकल और मेडुसा छतरी नुमा। तो पोलीप से मेडुसा बनेगा, पोलीप से मेडुसा बनेगा और मेडुसा से पोलीप बनेगा, तो पोलीप से मेडुसा बनेगा कौन रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल एसेक्सुअल। पोलीप से मेडुसा बनेगा कौन रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल एसेक्सुअल से। पोलीप से मेडुसा बनेगा छतरी नुमा बनेगा, बेलनाकार से छतरी नुमा बनेगा कौन रिप्रोडक्शन से। चलिए पहला जवाब सही दिया है शंकर शाह, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शंकर शाह। उसके बाद पुष्पांजलि कुमारी, सेकंड पोजिशन पुष्पांजलि कुमारी, एसेक्सुअल। आकाश कुमार एस आकाश एडमायर, उसके बाद पुष्पांजलि फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद सुनील कुमार, रिमझिम भी, गुड्डू भी, जो भी विशाल कुमार, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उसके मुंह में घीट सकर, जो भी कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुंह में घीट सकर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोलिप से बन गया मेडुसा, पोलिप से बनेगा मेडुसा, पोलिप से बनेगा मेडुसा, मेडुसा से बनेगा पोलिप, मेडुसा से क्या बनेगा पोलिप। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिलेंट्रेटा फाइलम। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सिलेंट्रेटा, अगला पॉइंट, सिलेंट्रेटा फाइलम किस लेवल का है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, या सेल लेवल, या टिश्यू लेवल, किस लेवल का है, या ऑर्गन लेवल का, सिलेंट्रेटा फाइलम का जीव किस लेवल का है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सिलेंट्रेटा फाइलम का जीव किस लेवल का है, किस लेवल का है, कमन कमन कमन, सिलेंट्रेटा फाइलम किस लेवल का है, सेलुलर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन लेवल। गुड्डू कुमार पहला जवाब सही, गुड्डू कुमार, उसके बाद पुष्पांजलि कुमार, उसके बाद राइडर, उसके बाद स्वर्ण, उसके बाद लाइन लग गया टिश्यू ग्रेड का, टिश्यू ग्रेड का, वेरी गुड। आगे बढ़ते सिलेंट्रेटा फाइलम के जीव में मेन जीव होता है हाइड्रा, हाइड्रा खाना को पकड़ेगा, खाएगा, उसके पास में मुंह है, एनस नहीं है, मुंह है, एनस नहीं है, उस मुंह का नाम क्या है। सिलेंट्रेटा फाइलम के जीव के पास मौत है, मौत, उस मौत का नाम क्या है। अब देखते कौन सा जवाब देता है, उस मौत का नाम क्या है, सिलेंट्रेटा फाइलम के जीव में मौत होता है, उस मौत का नाम क्या है, कमॉन देखते हैं। अब देखते थे, कॉपी उल्टा रहा तुम लोग, हम समझ गए, कॉपी उल्टा रहा तुम लोग, नोटबुक उल्टा रहा है। पुष्पांजलि कुमारी, वेरी गुड, हाइपोस्ट्रोम, उसका स्वर्णा कुमारी हाइपोस्ट्रोम, अंचल झा हाइपोस्ट्रोम। चलिए बेटी लोग तीनों के तीनों, तीनों बेटी आगे फर्स्ट सेकेंड टॉप किया, पुष्पांजलि, अंचल और स्वर्णा, हाइपोस्ट्रोम, हाइपोस्ट्रोम मुंह होता है हाइपोस्ट्रोम। अब चलिए मुंह है हाइपोस्ट्रोम, लेकिन मुंह में पकड़ के वो चीज को डालना पड़ेगा, मुंह में पकड़ करके अपने प्रिय शिकार को, मतलब शिकार को पकड़ना पड़ेगा, अतः मुंह में ले जाएगा हाइपोस्ट्रोम में, तो किसके द्वारा पकड़ेगा, हाइड्रा अपने शिकार को किसके द्वारा पकड़ेगा, किसके मदद से पकड़ेगा, मुंह तो हो गया हाइपोस्ट्रोम, लेकिन पकड़ेगा किसकी मदद से, और शिकार को अंदर में लेके जाएगा किसकी मदद से, किसकी मदद से देखना चाहिए। देखते हैं दिमाग लगा 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 लगा, किसके द्वारा पकड़ेगा, पकड़ेगा पुष्पांजलि कुमारी, सीनोप्लास्ट तो उद्दंक मारेगा, डन बेहोश करेगा, लेकिन पकड़ेगा किससे। स्वर्णा कुमारी सही जवाब दिया, स्वर्णा कुमारी टेंटेकल्स, सही जवाब दिया है, बस एक बेटी जवाब दिया सही जवाब, स्वर्णा कुमारी टेंटेकल्स, उसका टेंटेकल्स होता है, उसके पास में टेंटेकल्स होता है, ऐसा बोला टेंटेकल्स होता है, टेंटेकल्स, और टेंटेकल्स में होते हैं नीडोब्लास्ट सेल, टेंटेकल्स में होते हैं नीडोब्लास्ट सेल, इसमें टेंटेकल्स, तो टेंटेकल्स, और ये हाइपोस्ट्रोम। चलिए पास पहला सही जवाब दिया था बेटी स्वर्णा कुमारी ने, टेंटेकल्स, 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 नहीं फर्स्ट सेकंड सर जो कहेंगे ना उसी का हम नाम लेंगे, बाकी का नाम नहीं लेंगे। आगे बढ़ते सिलेंट्रेशन, आगे बढ़ते, ऐसे सजीव है धरती पर जो सजीव पानी के अंदर में जगमग जगमग करता, उस फाइलम का नाम क्या है, पानी के अंदर में जगमग जगमग करता मतलब लाइट इमिट करता, उस फाइलम का नाम क्या, उस सजीवों की फाइलम का नाम क्या, उस सजीवों की फाइलम का नाम क्या जो पानी के अंदर में समुद्र में मिलनी रहेगा और समुद्र के अंदर में जगमग जगमग करेगा भगझोली जैसे, उस फाइलम का नाम क्या। ज्योति कुमारी पहला जवाब दिया, ज्योति कुमारी तीनों तीनों फोरा, तीनों फोरा, ज्योति कुमारी तीनों फोरा, उसके बाद पुष्पांजलि कुमारी तीनों फोरा, और उसके बाद अमीषा तीनों फोरा। वाह बेटी लोग, बेटी लोग ही आगे बढ़ रहा, अरे छोटा लड़का सब बेटा सब क्या हो, बेटी सब आगे बढ़ रहा, तुम लोग क्या हो रहे, तुम्हें सब में जवाब दे रहा, बेटी जवाब दे रहा, बेटी से आगे बढ़ ही नहीं रहा तुम लोग, लड़का सब मन से नहीं बढ़ तुम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद तीनों तीनों फोरा से आगे बढ़ते प्लैटिहेलमिंथस का एक ऐसा सजीव है, प्लैटिहेलमिंथस का एक ऐसा सजीव है जो गोबर जानवर सबके पेट में रहता और बहुत फेमस है, जानवर सबके पेट में रहता बहुत फेमस है, उस सजीव का नाम क्या, उस सजीव का नाम क्या। प्लैटिहेलमिंथस का एक ऐसा जीव है, एक ऐसा एनिमल है जो जानवर सबके आंत में रहता, कभी कभी जानवर को मार भी देता, बहुत फेमस है, सब नाम जानता है, सब नाम जानता, उस जीव का नाम क्या है, उस जीव का नाम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस एनिमल को क्या कहते हैं, उस एनिमल क्या कहते हैं। स्वर्णा कुमारी चिनिया सोलियम,
और पुष्पांजलि टेपवर्म, स्वर्णा का बायोलॉजिकल नाम टीनिया सोनियम और पुष्पांजलि का टेपवर्म, दोनों बेटी वाह वाह। लेकिन बेटा सब छोटा सा तो कोई जवाब नहीं दे रहा। अब आ रहा बेटा सब पछुआ सब का कहना, पछुआ रोटी खाता, चलोगे आगे बढ़ना होता, आगे बढ़ना होता। अब आगे बढ़ते चलते हैं, देखते हैं अब इसके आगे बढ़ते। स्केल हेलमेंटिस, स्केल हेलमेंटिस फाइलम, स्केल हेलमेंटिस फाइलम थोड़ा सबके आंख में रहेगा, थोड़ा सबके आंख में रहेगा, अभी भी होगा। अगर चेक करोगे तो, चेक करोगे तो स्केल हेलमेंटिस फाइलम का जीव तुम लोग के आंख में होगा, अभी भी होगा। मोस्ट ऑफ को होता है, 99.9% आदमी को होवे करता, रहवे करता है। तो उसको दवा खाना पड़ता मारने के लिए। उस जीव का नाम क्या है जो तुम्हारे आंत में रहता है? एस्केल हेलमेंटिस का जीव, एस्केल हेलमेंटिस का जीव जो तुम लोग के आंत में रहता है, उस जीव का नाम क्या? बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, सब नाम सुना है, सब नाम सुना है। कमान 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 कमान, उस जीव का नाम क्या है? अंचल झा, एस्कारिस। उसके बाद शंकर। अब बेटा एगो कूदा मैदान में, शंकर राउंड वन में गुड्डू कुमारे। अब बेटा दोगो आया, अंचल पहले का एस्कारिस और तब गुड्डू का, शंकर का राउंड वर्म। मजा आ रहा है, कंपटीशन हो रहा है। चलिए ओके ओके कंपटीशन। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा स्केल हेलमेंट्री फाइलम का जीव है, एक ऐसा स्केल हेलमेंट्री फाइलम का जीव है जिस जीव से हम लोग को फलरिया होता, हाथी पाँव फुल पाँव फलरिया होता, फुल पाँव हाथी पाँव। उस जीव का नाम क्या है? उस जीव का नाम क्या है जिससे हम लोग को फलरिया होता, हाथी पाँव हो जाता है, और बहुत सारे मर्द सब तो बांझ भी हो जाता है, उसका स्कॉटल सर बहुत बड़ा हो जाता है। उस जीव का नाम क्या है जिससे फलरिया होता, जिससे फलेरिया होता, जीव का नाम क्या? कमान कमान कमान। स्वर्णा कुमारी, पहला बार पहली बेटा बेटी जवाब दे। स्वर्णा, पुष्पांजलि भी जवाब दिया, उसके बाद में रिमझिम भी जवाब दिया, उसके बाद प्रिया भी जवाब दिया। रे छोटा लड़का सब, रे नाम कटा रहा, रे मेरा नाम कटा रहा है। बेटी सब तीनों के तीनों जवाब, बुचरेरिया बुचरेरिया बुचरेरिया, उसको हम लोग कहते हैं फलेरिया वर्म, बुचरेरिया फलेरिया वर्म, बुचरेरिया फलेरिया वर्म। इसका मतलब है कि आप लोग जो नोटिस किए थे अप्लीकेशन पर, आप पढ़े ना हो, चलो बैठ बेटा सब, मेरा तुम लोग उदास कर देते हो, कितना मन से पढ़ाते, टाइम देकर पढ़ाते, फिर तुम लोग पढ़ते नहीं हो। चले आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन। एनिलिडा, एनिलिडा फाइलम का जीव सबसे फेमस है, एनिलिडा फाइलम, एनिलिडा फाइलम में सबसे फेमस जीव है जो आप लोग सब देखे हो, सब कभी ना कभी लाइफ में देखे हो, छूबो की हो, पकड़बे की हो। उस जीव का नाम क्या है? एनिलिडा फाइलम का सबसे फेमस जीव का नाम क्या है? एनिलिडा फाइलम का सबसे फेमस जीव का नाम क्या है? कम ऑन, एनिलिडा फाइलम का सबसे फेमस जीव का नाम क्या है? देखा था कौन सही दवा देता है? सबसे फेमस फेमस जीव जो तुम लोग देखते हो, स्वर्णा कुमारी, फिर बेटे, अब विशाल, अब आया विशाल कुमार। अभी अब अभी रंजन भी सही था, लीच, लेकिन लीच कम फेमस है, पहला फेमस है कौन? अर्थवर्म। एनिलिडा फाइलम का सबसे फेमस जीव है अर्थवर्म, 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 अर्थवर्म। आगे बढ़ते बच्चों, अब इससे हम लोग आगे बढ़ते। इस धरती पर सबसे ज्यादा सजीव एनिमल पाया जाता है, धरती पर सबसे वैरायटी का, सबसे ज्यादा मात्रा में, संख्या में एनिमल्स पाया जाता है, उस फाइलम का नाम क्या है? उस फाइलम का नाम क्या है? इस धरती पर सबसे ज्यादा एनिमल्स पाया जाता है वैरायटियों का, उस फाइलम का नाम क्या है? उस फाइलम का नाम क्या है? कमॉन कमॉन कमॉन, उस फाइलम का नाम क्या है? हम देख भी रहे हैं, उस फाइलम का नाम क्या है? चलिए, गुड्डू कुमार, अंचल, अब बेटा आया पुष्पांजलि, अजीत, अर्थोपोडा, अर्थोपोडा, उस फाइलम का नाम क्या है? अर्थोपोडा, फाइलम का नाम है अर्थोपोडा, अर्थोपोडा। अब चलिए, इस धरती पर अर्थोपोडा सब जगह छा गया, इस धरती पर सब जगह छा गया, आखिर क्यों? उसमें क्या खासियत है कि धरती पर हर जगह अर्थोपोडा का जीव, मतलब कीड़ा मकोड़ा पाया जाता, फैल गया सबसे ज्यादा, आखिर उसमें क्या खासियत रहता, अर्थोपोडा में क्या खासियत रहता? कमॉन कमॉन, अर्थोपोडा में क्या खासियत रहता है? अर्थोपोडा में क्या खासियत है? हम देख भी रहे हैं, कमान कमान, अर्थोपोडा में क्या खासियत है? मैं फाइल निकाल रहा हूँ, चलिए चलिए, अर्थोपोडा में क्या खासियत रहता है? अर्थोपोडा में क्या खासियत रहता है? अर्थोपोडा में क्या खासियत रहता है? क्या खासियत रहता है? काइटिन, नीरज कुमार, पहला जवाब दिया था नीरज कुमार, वाह बेटा। उसके बाद गुड्डू, उसके बाद में शंकर, उसके बाद में सोनम। बेटी इस बार पिछवा गया तुम लोग, इस बार बेटी से पिछवा गया, इस बार बेटा आगे हो गया। काइटिन, काइटिन, काइटिन होता है कि काइटिन पाया जाता, काइटिन फुफुंदी में पाया जाता, काइटिन फुफुंदी के भी सेल वाले में पाया जाता, इसीलिए फुफुंदी बहुत खच्चर होता, बदमाश होता, हेयर होता, एक बार फुफुंदी हो जाता तो खत्म नहीं होता था, वैसी काइटिन होते हैं उसके बाहरी कंकाल में, अर्थ्रोपोडा के बाहरी कंकाल में काइटिन, और इसीलिए वो जल्दी हर दुनिया का हर जगह है, हर कोना में, और सबसे ज्यादा वेराइटी का काइटिन पाया जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा जीव नष्ट भी हो सकता है, लेकिन ये जीव नष्ट नहीं होता है बहुत सालों से। अब चलते देखते हैं, इस धरती का अर्थोपोडा का, इस धरती का अर्थोपोडा का सबसे पुराना एगो सजीव है जो आदिकाल से भी था अभी भी है, आदिकाल से भी था अभी भी है, उस सजीव का नाम क्या है?
अर्थोपोडा फाइलम का एक ऐसा एनिमल है जो सबसे पुराना है, आदिकाल का भी, आदिकाल में हुआ था अभी भी है, कल भी था आज भी है परसों भी रहेगा। उस जीव का नाम क्या, उस एनिमल का नाम क्या, अब देखते हैं कौन इसको जवाब देता है। समझा के समझा, अर्थोपोडा में एक ऐसा जीव है, एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा एनिमल है जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना, सबसे पुराना। वेरी गुड, नाम हम नहीं पाए, नाम नहीं ले पाए। लेमुनस को कहा है लेमुनस किंग क्रैब, लेमुनस किंग क्रैब, हम नाम नहीं ले पाए, मिस करके नाम नहीं ले पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलिए अर्थोपोडा से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अर्थोपोडा से हम आगे बढ़ते हैं मोलस्का। मोलस्का के शरीर का शरीर सबसे सॉफ्ट रहता है, मोलस्का के शरीर सबसे सॉफ्ट रहता है, उसमें घोंघा सितुआ शंख ऑक्टोपस आते हैं। मोलस्का के शरीर को, मोलस्का के एनिमल के शरीर को कितने भागों में बांटा गया, मोलस्का के शरीर को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन भाग है मोलस्का के शरीर में, कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, पहले भाग लिखो नंबर में, नंबर में 1 2 3 कितना, पुष्पांजलि 3, अंचल 3, विशाल 3, गुड्डू 3, अगिन अगिन गलती हो गया, सोनम 3 3, जो भी 3 3 बोला है उसके मुंह में गिर सकर 3 पार्ट होते हैं। अब 3 पार्ट का नाम बताओ, अब 3 पार्ट का नाम बताओ, देखते हैं कितने स्टूडेंट को आता है। 3 पार्ट का नाम बताओ, 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 3 पार्ट का नाम, नाम 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 नाम, हमको नाम चाहिए 3 पार्ट का नाम। क्या क्या नाम है, अब तक कोई नाम नहीं लिख रहा है, अब तक कोई नाम नहीं लिख रहा। चलिए चलिए, अंचल झा, हेड मस्कुलर फ्रूट एंड विसरल, अंचल झा पहला जवाब दिया, अंचल झा हेड विसरल हम मस्कुलर फ्रूट, हेड विसरल हम मस्कुलर फ्रूट, अंचल झा। उसके बाद में चंदन कुमार शॉर्टकट जवाब दिया, शॉर्टकट जवाब दिया, ये सब चलिए उसके बाद चलते आगे बढ़ते, ये सब तो हो गया। अब चलिए मोलस्का के, मोलस्का के बाद होता है इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा फाइलम के जीव का सबसे खासियत वाला विशेषता क्या है, इकानोडर्मेटा फाइलम के एनिमल्स में सबसे खासियत विशेषता क्या जो और सब में नहीं, केवल उसी में, और सब में नहीं है केवल उसी में, इकानोडर्मेटा के फाइलम के ही एनिमल में केवल वो खासियत है बाकी एनिमल में नहीं है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, कमान 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 कमान। हाँ, अंचल झा वाटर वैस्कुलर सिस्टम, पुष्पांजलि भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाह बेटी जियो। उसके संग उसके बाद में लर्निंग पॉइंट वाटर वैस्कुलर सिस्टम, अरे नाम चेंज कर लेना ना, लर्निंग पॉइंट के थोड़ी नाम होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो इकानोडर्मेटा में सबसे यूनिक कैरेक्टर है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो इसके सिवा और दुनिया में किसी भी एनिमल में नहीं होता, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ओके, उसके शरीर में कांटा लग रहा था, स्पाइन लगा था, कांटा लग रहा था, स्पाइन लग रहा था, ये तो हो गया। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा। तो हेमिकोडाटा फाइलम माइनर फाइलम है, वो छोटा फाइलम है हेमिकोडाटा, मतलब कोडाटा से पहले हेमी, आधा कोडाटा में हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा फाइलम के जीव में, जीव को क्या कहा जाता है कॉमन भाषा में, कॉमन भाषा में हेमिकोडाटा फाइलम के जीव को क्या कहा जाता है, कॉमन भाषा में हेमिकोडाटा फाइलम के जीव को क्या कहा जाता है, कॉमन कॉमन कॉमन, हेमिकोडाटा फाइलम के जीव को क्या कहा जाता है कॉमन भाषा में, कॉमन भाषा में क्या कहा जाता है, कॉमन भाषा में किस नाम से जाना जाता है हेमिकोडाटा के फाइलम में, अंचल झा वर्म लाइक, अंचल झा वर्म लाइक। अरे पंकज राय, अभी जय गुरु जी का समय नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर का समय है। लर्निंग पॉइंट भी कहा वर्म लाइक, वर्म लाइक, सुनील भी कहा वर्म लाइक, तो वर्म लाइक होते हैं हेमिकोडाटा का जीव, क्या होता है वर्म लाइक होते हैं, और हमेशा समुद्र में ही पाया जाता है, समुद्र में ही पाया जाता है हेमिकोडाटा। उसके बाद कोडाटा, उसके बाद आ जाता है कोडाटा, कोडाटा कोडाटा इकान कोडाटा, कोडाटा फाइलम के सबसे, किस नाम पर कोडाटा नाम कोडाटा पड़ा, किस नाम पर कोडाटा फाइलम का नाम कोडाटा पड़ा, किस चीज के पाए जाने के चलते कोडाटा फाइलम का नाम कोडाटा पड़ा, देखते हैं कमान 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 कमान, हेमिकोडाटा हो गया, किस चीज के पाए जाने के चलते कोडाटा का नाम कोडाटा हुआ, कोडाटा का नाम कोडाटा हुआ। हाँ, गुड्डू अंचल ज्योति गुड्डू नोटोकोड, अंचल ज्योति गुड्डू नोटोकोड पाए जाने के चलते, नोटोकोड पाए जाने के चलते, नोटोकोड पाए जाने के चलते कोडाटा का नाम कोडाटा पड़ा। चलिए वेरी गुड, अब कोडाटा को 3 गो सब फाइलम में बांटा गया, वो तीनों का नाम क्या क्या, कोडाटा फाइलम जिसमें हम लोग आते हैं, हम लोग आते हैं हड्डी है अंदर में, नोटोकोड बता देता हड्डी में, 3 भागों में बांटा गया कोडाटा फाइलम को, 3 सब फाइलम बांटा गया, वो तीनों सब फाइलम का नाम क्या है, उस तीनों सब फाइलम का नाम क्या है, तीनों सब फाइलम का नाम क्या है,
नाम लिखो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगेन सलमान तीन लिखने से काम चलेगा, संजना तीन लिखने से काम नहीं चलेगा, नाम लिखना पड़ेगा। प्रिंस प्रेयसी नोट अकॉर्ड नहीं, कृष्ण नोट अकॉर्ड नहीं, तीन सब फाइलम है, कॉर्डाटा का तीन गो उप फाइलम है, उन तीनों का नाम क्या है, तीनों का नाम क्या है? चले कमन 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 कमन, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। हाँ ज्योति कुमारी, यूरो को डाटा, सिफेलो को डाटा, भट्टी बराटा, यूरो को डाटा, सिफेलो को डाटा, भट्टी बराटा, यूरो को डाटा, सिफेलो को डाटा, भट्टी बराटा, जिसमें कल हम लोग कल यूरो को डाटा पढ़ लिए, सिफेलो को डाटा पढ़ लिए थे, यूरो को डाटा, सिफेलो को डाटा, तो दोनों को डाटा को हम लोग कहते हैं प्रोटो क्वार्टेट्स, दोनों को डाटा को कहते हैं प्रोटो क्वार्टेट्स, यूरो को डाटा एंड सिफेलो को डाटा। सुनिएगा अब चलिए यहां से, यूरो को डाटा एंड सिफेलो को डाटा, यूरो को डाटा एंड सिफेलो का डाटा, दोनों को सब कहते हैं प्रोटो क्वार्टेट्स। प्रोटो क्वार्टेट्स मतलब को डाटा से पहले, मतलब कि शुरुआती को डाटा, सबसे शुरुआती को डाटा, सिफेलो को डाटा और यूरो को डाटा, इन दोनों में क्या अंतर है? यूरो को डाटा के जीव में और सिफेलो को डाटा के जीव में क्या अंतर देखा जाए? अब देखा जाए क्या अंतर है यूरो को डाटा और सिफेलो को डाटा के जीव में क्या अंतर? चले कमान कमान, क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है यूरो को डाटा सिफेलो को डाटा के जीव में, क्या अंतर है देखा जाए? अब तो फंसा, अब देखते हैं बेटा जिस सब जीतता की बेटी सब जीतती है, किसमें कितना दम, यूरो को डाटा सिफेलो का डाटा दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है? कमान हंस रहा है, क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है, क्या क्या अंतर है? नोट तो होबे करेगा, कोई डाटा है तो नोट अकॉर्ड तो होबे करेगा, लेकिन नोट अकॉर्ड से नहीं होगा, चलो बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। हाँ अंचल झा लार्वल में होता है, लार्वल में होता है, लार्वल टिल लार्वल स्ट्रीम, पुष्पा ने दिए कि इसमें केवल नोट अकॉर्ड, इसमें केवल नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड पाया जाता केवल लार्वा में, इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता केवल लार्वा में, लार्वा में, और इसमें नोटोकॉर्ड जन्म से मरण तक रहेगा, इसमें नोटोकॉर्ड जन्म से मरण तक रहेगा, सिफेलो को डाटा में, और यूरो को डाटा के जी में नोटोकॉर्ड क्या केवल क्या रहेगा, केवल क्या रहेगा, लार्वा में, लार्वा में, लार्वा में। तो ये बात हमको पूछना था। चलो कुछ स्टूडेंट तो है जो पढ़ता है, कुछ स्टूडेंट तो है जो मेहनत करता है, और कुछ ही स्टूडेंट हमेशा क्या आता रिजल्ट लाता है, कुछ ही स्टूडेंट हमेशा क्या लाता है रिजल्ट लाता है, याद रखिएगा। तो आज हम लोगों को पढ़ना है भर्ती ब्राटा, हम एक में पहले एप्लीकेशन में नोटिस कर दिए थे कि आज क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, आप लोगों को पढ़ना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, भर्ती ब्राटा आज हम लोग पढ़ेंगे, भर्ती ब्राटा सुनिए बच्चे, भर्ती ब्राटा, भर्ती ब्राटा दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि भर्ती ब्रीड हम लोग का रीढ़ की हड्डी, मतलब नोटोकोड बदल गया रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी बैकबोन में, हम लोग भर्ती ब्री से भर्ती बराटा, भर्ती ब्री से भर्ती बराटा। अब वो क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन होते हैं कि सभी कॉर डाटा, सभी कॉर कॉर्डेट्स सभी के सभी, सभी कॉर्डेट्स जो है भर्ती भर्ती ब्रेट्स नहीं है, सभी कॉर्डेट्स भर्ती ब्रेट्स नहीं है, मतलब कसेरे को क से रू की, मतलब रीढ़ धारी नहीं है, रीढ़ धारी प्राणी नहीं है, मतलब सभी के सभी के सभी कॉर्डेट्स जो है जो वर्टिब्रेट्स नहीं है, मतलब रीढ़धारी नहीं है, लेकिन सभी के सभी, सभी के सभी सुनिएगा, सभी के सभी कॉर्डेट्स रीढ़धारी नहीं है, लेकिन लेकिन वर्टिब्राटा है रीढ़धारी, लेकिन वर्टिब्राटा है रीढ़धारी, वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्राटा, वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्राटा, तो वर्टिब्राटा जो सब फाइलम है वो केवल वर्टिब्रेट्स है और बाकी वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि ऑल 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 वर्टिब्रेट्स, ऑल ऑल वर्टिब्राटा एनिमल्स आर वर्टिब्रेट्स, बट ऑल क्वाड्रेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, बट ऑल क्वाड्रेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, व्हाट्स द रीजन? तो रीजन बच्चे लोग यहां पर यह रीजन है, सुनिएगा यहां पर रीजन ये है कि यूरो का डाटा और सिफेलो का डाटा में रीढ़ की हड्डी नॉट, नोटोकॉर्ड होते हैं तो नोटोकॉर्ड होते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाया, तो लार्वा में, सिफेलो को डाटा में नोटोकॉर्ड कब होगा, तो सर पूरे शरीर में जीवन भर, लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं रहेगा, वो रीढ़ की हड्डी में नहीं बदल पाता, लेकिन भर्ती ब्राटा जो है उस भर्ती ब्राटा में नोटोकॉर्ड बदल जाता है रीढ़ की हड्डी में,
हड्डी भ्राता में, भट्टी भ्राता में नोट को किस बदल गया, रीढ़ की हड्डी में, इसलिए कहते हैं भट्टी भ्राता। आप चलिए अब कैसे बदल जाता है, पहले हम लोग के शरीर में जब इमरियो है, इमरियो बच्चे की इमरियो है, तो पहले था नोटोकॉर्ड, पहले था नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड था, नोटोकॉर्ड था, ये नोटोकॉर्ड था, ये नोटोकॉर्ड आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, अब बन गया रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में, याद रखिएगा। तो पहले नोटोकॉर्ड था, पहले हम लोग जब पैदा लेते हैं माँ के घर में तो पहले क्या था, नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड बाद में बदल जाएगा बैक बोन में, बैक बोन में मतलब रीढ़ की हड्डी में, और बैक बोन को हम लोग कहते हैं वर्टीब्री, वर्टीब्री, वर्टीब्री कहते हैं, वर्टीब्री, बैक बोन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टीब्री, याद रखिएगा। तो इसीलिए वर्टीब्री पाया था रीढ़ की हड्डी, मतलब वर्टीब्री बैक बोन, और उसी से नाम, से नाम दिया वर्टीब्राटा, वर्टीब्राटा, वर्टीब्राटा। तो हम लोग जिस कोडाटा फाइलम के, जिस सब फाइलम में के जीव है, उस जीव का नाम है वर्टीब्राटा, हम लोग जिस सब फाइलम के जीव है, उस सब फाइलम के जीव को हम लोग कहते हैं वर्टीब्राटा, वर्टीब्राटा, ये हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। तो हम लोग के पास में ये रीढ़ की हड्डी, ये सब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, उसको वर्टीब्रल कॉलम भी कहते हैं, और एक एक रीढ़ की हड्डी को, छोटा छोटा रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है वर्टीब्री, वर्टीब्री, वर्टीब्री कहा जाता, और जिसमें वर्टीब्री रहेगा तो उसी एनिमल को कहा जाता वर्टीब्राटा, वर्टीब्राटा, वर्टीब्राटा। अब वर्टीब्राटा क्या है, सब फाइलम है, वर्टीब्राटा क्या है, सब फाइलम है, किसका सब फाइलम है, तो कॉर्डाटा फाइलम का, फाइलम का नाम है कॉर्डाटा, फाइलम का नाम है चोडाटा मत बोलिएगा, कॉर्डाटा, तो कॉर्डाटा फाइलम के सब फाइलम है, सब फाइलम का नाम है वर्टीब्राटा। अब वर्टीब्राटा में क्या, वर्टीब्री मतलब रीढ़ की हड्डी, जो नोटोकॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड बदल गया किसमें, रीढ़ की हड्डी में, नोटोकॉर्ड बदल गया किसमें, रीढ़ की हड्डी में। तो इतना तक हम लोग को याद रखना पड़ेगा बच्चों की बात को, फिर से कल पूछेंगे। हम लोग फाइलम कॉर्डाटा के जीव है, लेकिन फाइलम कॉर्डाटा में तीन सब फाइलम है, यूरो कॉर्डाटा, सिखालो कॉर्डाटा, वर्टीब्राटा। तो हम लोग किस का है, वर्टीब्राटा का, वर्टीब्राटा का हम लोग क्यों है, तो हम लोग का नोटोकॉर्ड बदल गया किसमें, वर्टीब्रेट में, वर्टीब्री में, मतलब रीढ़ की हड्डी में, नोटोकॉर्ड किसमें बदल गया, वर्टीब्री में, रीढ़ की हड्डी में बदल गया। आप चलिए बच्चों, अब इसमें सब कुछ खासियत है, इसके हार्ट, वर्टीब्राटा का जो हार्ट है ना, वो दो चैम्बर का होगा, तीन चैम्बर का भी होगा और चार चैम्बर का भी होगा। तो दो चैम्बर का किस में होगा, तो मछली सब, मछली सब में हार्ट में दो चैम्बर होगा, दो चैम्बर होगा। उसके बाद में एम्फेबिया रेप्टिलिया में तीन तीन चैम्बर, एम्फेबिया रेप्टिलिया में तीन तीन चैम्बर, हार्ट में तीन तीन चैम्बर, और बर्ड्स में, पक्षी में, और हम लोग मैमल्स में, हम लोग में, मैमल्स में अस्थारी में, वो अस्थारी का है, उसमें चार चार चैम्बर। तो हार्ट में, हार्ट में जो चैम्बर होगा, याद रखिए बाकी बताया था, दो चैम्बर भी होगा मछली में, तीन चैम्बर भी होगा और फोर्थ चैम्बर भी होगा, हम लोग में किस में कहते हैं, फोर्थ चैम्बर। और मछली सब में जो फिंस है, ये फिंस है, पतवार है, वो बदलते 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 बदल गया किस में, पौन। मछली में पंख, मछली में क्या था, पतवार होता है, फिंस होते, पतवार, 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 लेकिन पतवार क्योंकि मछली पानी में रहता है, तो पानी में तैरने की पतवार की जरूरत पड़ती है, पौन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डेवलप जो किया, ये डेवलप किया तो बदल गया किस में, हाथ पैर में, लिम्स में, लिम्स में, लिम्स में, तो फिंस बदल गया किस में, लिम्स में। और किडनी भी रहता है, सब कुछ रहता है, लंग्स भी रहता है, गलफड़ा भी रहता है, मतलब जितने भी कुछ होते हैं ना हम लोग में, सब कुछ है हम ही लोग में, मतलब वर्टीब्राटा में, नो डाउट। इसको हमेशा आप याद करिएगा। आप चलिए इससे क्वेश्चन को पूछेंगे, कल इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछेंगे, रेडी रहना, कल इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए आज तो ज्यादा हमको टारगेट था कि क्वेश्चन आंसर देना, आज हमको क्वेश्चन आंसर पूछना ही था, इंटरेस्ट करना था, क्योंकि आपको जानना था कि पढ़ाई करते करते घर पर। तो वर्टीब्राटा सब फाइलम है, ये सब फाइलम, सब फाइलम है वर्टीब्राटा, और किस फाइलम का, तो फाइलम है कॉर्डाटा, फाइलम है कॉर्डाटा, और सब फाइलम क्या, वर्टीब्राटा। उस सब फाइलम वर्टीब्राटा को दो भाग बांटा गया, दो डिवीजन, टू डिवीजन बांटा गया, सब फाइलम वर्टीब्राटा को दो डिवीजन बांटा गया, एक है एग्नाथा और दूसरा है नाथो एस्टोमाटा, उसको एग्नाथा बोलेंगे और नाथो एस्टोमाटा बोलेगा, गनाथो एस्टोमाटा मत बोलेगा, नाथो एस्टोमाटा, नाथो एस्टोमाटा। फिर से बता लो, वर्टीब्राटा को दो भागों में बांटा गया, दो डिवीजन बांटा गया, एक है एग्नाथा और दूसरा है नाथो एस्टो, नाथो एस्टोमाटा, एग्नाथा और नाथो एस्टोमाटा, एग्नाथा, नाथो एस्टोमाटा, याद रखिएगा, एग्नाथा और नाथो एस्टोमाटा, ये समझ गए। इस आधार पर ये ऐसा सजीव धरती पर जिसके पास जबरे नहीं,
ओपन है, मुंह खुला है, वाह क्या रहा है, इसका जबरा नहीं। तो एक नाथ डिवीजन के पास में जबरा नहीं, ना बिल्कुल सीधे दिखाएंगे दिखाएंगे, पर समझने बात को। तो भट्टी भराता तो दो डिवीजन माता गया, एक नाथ था और नाथ माता, तो एक नाथ में जबरा नहीं, और इसके पास एक ही क्लास है, उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमाटा। तो एक नाथा डिवीजन है और एक नाथा डिवीजन को में अंतर्गत एक ही क्लास है, उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमाटा। कल पूछते हैं कि एक नाथा डिवीजन में कौन क्लास है, क्लास का नाम याद करना पड़ेगा, साइक्लोस्टोमाटा। अब चलिए नाथोस्टोमाटा, जिसमें जबरा है, बियर जॉ, जबरा, आ वाह जबरा है, दोनों को जबरा जबरा, तो जबरा, तो जबरा वाला जीव को भी तो सुपर क्लास में बता दिया। ये तो डिवीजन है, ये तो डिवीजन हुआ, नाथो एस्टोमाटा तो डिवीजन हुआ, डिवीजन हुआ, और उस डिवीजन को दो भाग बांटा गया तो सुपर क्लास। एक है पिसेस, पिसेस मींस मछली, पिस, और दूसरा है टेट्रापोडा चौपाया, टेट्रापोडा चौपाया, जिसमें से वर्ष में अगला हाथ बदल जाता पंख में, तो टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब चार होता, टेट्रा मतलब चार होता, पोडा मतलब पाए, टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में चार क्लास आया, एम्फीबिया मतलब उभयचर मतलब मेढक में चार पांव, रेप्टेलिया में चार पांव मतलब रेंगने वाला में, अपवाद में कौन है सांप, अपवाद में कौन है सांप, जिसमें कि पांव नहीं रहता है, पांव खत्म हो चुका है विकास क्रम में, बड़ी लंबा हुई है तो, लेकिन रेप्टेलिया रेंगने वाला, कछुआ मगरमच्छ छिपकली देखने होंगे। और एप्स, इसमें अगला दो हाथ जो है बदल गया, किसमें फोर लिम्स कहते हैं, तो फोर लिम्स बदल गया, किसमें बदल गया तो कौन सा, और कौन का है ये। और मेमल्स जानवर का चौपाया, चौपाया जिसमें से हम लोग दो पाई हो गए, दो हाथ फ्री हो गया, तो टेट्रा पूरा मतलब चार पार वाला, इसको सुपर क्लास। तो एगनाथा डिवीजन है, एगनाथा डिवीजन है, इसमें जबरा, वो जबरा वाला के दो सुपर क्लास बढ़ा गया, एक में पैर नहीं है, फिंग्स है मतलब पतवार है, फिंग्स है, उसमें क्या आते हैं मछली आते हैं, तो पीसेज मतलब वह सुपर क्लास पीसेज में क्या आएगा मछली, मछली। मछली का भी दो क्लास है, कोंड्रोसाइट ऑस्ट्रोसाइट, कोंड्रोसाइट ऑस्ट्रोसाइट जो पढ़ेंगे हम लोग, कोंड्रोसाइट ऑस्ट्रो पढ़ेंगे आज नहीं, आज बस यहीं रखते, कल पढ़ेंगे उसके बारे में। टेट्रापोडा में चार पाए, चार पाए, उसका कितने क्लास है, चार क्लास है, क्लास चार है, एम्फीबिया रेप्टेलिया एब्स एंड मेमेलिया। अब इस सब काम पढ़ना, पहले पहले एग्नाथा में पहले साइक्लोस्टोमाटा पढ़ना होगा, पहले एग्नाथा में साइक्लोस्टोमाटा पढ़ना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। तो एग्नाथा मतलब जिसके पास जबरा है, उसके पास एक ही क्लास है, क्लास का नाम क्या, साइक्लोस्टोमाटा। अब देखते हैं इसका जीव कैसा होता, अब इसका जीव कैसा होता है, इस साइक्लोस्टोमाटा बस ऐसा होता, केवल मुंह पाया था, केवल मुंह ओपन, जबरा है तो भोकरा मुंह, मुंह केवल सांप जैसे शरीर जाता, शरीर जाता बिल्कुल सांप जैसे। तो इस क्लास का जीव पैरासाइट होते हैं, मछली सबके शरीर पर नहीं जुड़ जाएगा, मछली सबके शरीर में या होल सबके शरीर पर या सांप सबके शरीर पर जुड़ जाता, अटैच हो जाता अपने इससे, अपने मुंह से इससे जुड़ जाएगा और खून को चूसते रहता है, पराशर ज्यादातर होते, क्योंकि खाने वाला तो पाठ है नहीं, जबरा है नहीं कि बंद करेगा, केवल इसमें उसमें दांत रहता है, दांत अंदर की होता है, दांत दांत रहा दांत, तो किसी में जल जाता है, जिन में अटैच हो जाता है और दांत घुसा जाता है, और कहते हैं घिचे कोई घिचवे नहीं करेगा, और उसे अपना खाना ताना खाते रहता है, जब पेट भर जाएगा फिर छोड़ देगा, फिर जब भूख लगेगा तो दूसरा मछली पर हमला करेगा, अटैच करेगा। तो इसकी बात एक तो पैरासाइट है, तो साइक्लोस्टोमाटा के एनिमल सब एक तो पैरासाइट होते हैं, फिश लाइक होते हैं, ऑन द फिश पर, किस पर अटैक, एक तो फिश पर, मछली पर हमेशा रहेगा, डिपेंड इलोंगेटेड शरीर आता जानवर का, तो 6 से 15 जोड़ा क्या होता है गिल्स लाइक, इसमें गिल्स है, ये जोड़ा में रहेगा, जोड़ा में 6 से 15 को जोड़ा रहेगा गिल्स, तलफरा का छेद रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, अब ऐसे से लंबा शरीर है, बहुत बहुत लंबा शरीर है, तो 6 से 15 वो पेयर रहेगा जोड़ा, मतलब एक इधर रहेगा एक उधर रहेगा, जोड़ा में रहेगा गिल्स रहे, जिसे सांस लेगा, कौन जीव कौन फाइलम का जीव, साइक्लोस्टोमाटा का जीव, अनहारा मछली समझिए ना, तो मछली ऐसे ही होते हैं, सांप जैसे मछली जो भी कुछ कहे, लेकिन उसके पास में मुंह में जबरा नहीं होते, अरे बोकरा है, कैसे अजीब एनिमल। हम पढ़ते ये जानते हैं कि धरती पर ऐसा भी एनिमल है, ऐसा भी बिल्कुल जबरा है ही नहीं, जबरा है ही नहीं, जबरा है ही नहीं। अब चलिए सकिंग करता, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन करेगा, मौत विदाउट जाओ जाओ जाओ, जबरा तो है ही नहीं, तो कुछ भी सक करेगा, चूसेगा, सक करेगा, और मुंह हमेशा गोलाकार रहेगा, गोलाकार रहेगा, उसके पास डिवाइड स्किल्स, इसके शरीर पर खिलचा नहीं रहेगा, स्किल्स मतलब खिलचा नहीं रहेगा,
छिलता किसे कहते हैं, जैसे मछली लेते हैं ना तो मछली को छिलते हैं तो छिलता निकलता है, स्केल्स, जिसके पास स्केल्स नहीं रहेगा। ओके, क्रेनियम, उसके बाद दिमाग रहेगा, दिमाग जो वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, ये सब कार्टिलेज के बना होगा, कार्टिलेज के बना होगा, इसका शरीर उसका लचीला होगा, गुरमुटिल जाएगा, मतलब उसका जो हेड का बॉक्स है, मतलब खोपड़ी जो है उसका, वो रहेगा कार्टिलेज का बना हुआ, और वर्टिब्रल कॉलम जो है कार्टिलेज का बना होगा। हड्डी का दो प्रकार होता है, बोन और कार्टिलेज, हड्डी का दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं बोन और दूसरा होते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज सब हड्डी होता है, जैसे कि हम लोग का नाक का ये कार्टिलेज है, हम लोग का कान का ये हड्डी है लेकिन कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, ये नाक का कार्टिलेज है, तो ऐसी कार्टिलेज से उसका शरीर का हड्डी बना रहा था, मतलब खोपड़ी हो, शरीर की हड्डी हो, जड़ी हो, इसके साइक्लोस्टोमाटा क्लास के एनिमल के पास। अगला पार्ट, अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, सर्कुलेशन क्लोज टाइप होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होगा, खून का रंग लाल होगा, खून का रंग लाल होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होगा, हीमोग्लोबिन होबे करेगा, फिर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और उसके बाद साइक्लोस्टोमाटा मैरिन मोस्टली ये समुद्र में रहेगा, मोस्टली ये समुद्र में रहेगा, ये मोस्टली ज्यादातर साइक्लोस्टोमाटा रहेगा कहाँ, समुद्र में रहेगा, मैरिन में रहेगा, बट लेकिन जब अंडा देने जाएगा, जब अंडा देने जाएगा, ये रिप्रोडक्शन करने जाएगा, तो जाएगा फ्रेश वाटर, देखो वाह, तो रहेगा समुद्र में, लेकिन जब उसको रिप्रोडक्शन का टाइम होगा या बच्चा पालना होगा या बच्चा देना होगा तो रहेगा फ्रेश वाटर, उसके बाद उसके बाद उसका बच्चा बनेगा, लार्वा बनेगा, उसका बच्चा है ना फिर दे देगा, तो कुछ दिन के बाद में विदिन ए फ्यू डेज देता है, वहीं पर वो मर जाएगा, फ्रेश वाटर में बच्चा दे करके लार्वा हो जाएगा, अंडा से लार्वा हो जाएगा, बच्चा उसका उसका मर जाएगा, फ्रेश वाटर में मर जाएगा, और उसका लार्वा फिर फ्रेश वाटर से कहाँ आ जाएगा, मैरिन वाटर में, समुद्र में आ जाएगा, समुद्री पानी में आ जाएगा, क्या बात, यह लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, लार्वा में परिवर्तन होगा, लार्वा में परिवर्तन होगा तो एडल्ट बनता, एडल्ट बनता, उस प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस, मतलब रूप चेंज होता है, लिखे पिल्लू सब लार्वा है, अर्थोपोडा के लार्वा है पिल्लू सब, जो भी पिल्लू जानते हो उसके रूप में परिवर्तन होता है, तब जो मानते तितली टिड्डा ये सब, तो उस प्रक्रिया को होते हैं मेटामॉर्फोसिस, तो लार्वा से एडल्ट जो बनता है उस चेंज होता है, उस प्रोसेस को नाम दिया गया मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस जगह उसके लार्वा में, इस जीव के लार्वा में आता बड़ा बन जाएगा, उसका फिर रिटर्न आ जाएगा इसमें समुद्र। साइक्लोस्टोमाटा क्लास के में एक ही गो माने दो ही गो जीव है, फेमस है पेट्रोमाइजा लैम्प्री, पेट्रोमाइजा पेट्रोमाइजा लैम्प्री, इसको कहते हैं पेट्रोमाइजा लैम्प्री, इसको और इसको कहते हैं ये हैल्प्री, बस दो ही गो फेमस है, तो साइक्लोस्टोमाटा हो गया, इसमें रहता कुछ नहीं था। अब जो हम लोग को पढ़ना है ना वो हम लोग को मछली के बारे में, अब बच्चे लोग मछली के बारे में पढ़ना, क्लास कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्ट्रोसाइट्स, मछली का दो क्लास होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स ऑस्ट्रोसाइट्स, तो आज तो पूछ पाछ किए हैं, फिर से एक नया टेक्निक डेवलप किए हैं, क्योंकि आप लोग का चैट हमने पढ़ रहे थे, अब मैं आप लोग का चैट भी पढ़ते रहूंगा और क्वेश्चन पूछते रहूंगा, चूंकि पढ़ाते थे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे, समझ में नहीं आता था कि आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बस बच्चे लोग अब यहीं तक, अब देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो फिजियोलॉजी क्लास के लिए आऊंगा, टाइम मिलेगा तो फिजियोलॉजी क्लास के लिए आऊंगा, प्रोमिस नहीं करते कि अभी करूंगा, टाइम मिलेगा तो फिजियोलॉजी क्लास के लिए आऊंगा, नेटवर्क भी साथ देगा तो आऊंगा फिजियोलॉजी पढ़ाने के लिए, हार्ट जो पढ़ा दी उसके आगे भी बताना है, और इसमें भी क्वेश्चन पूछेंगे हार्ट के बारे में, क्वेश्चन पूछेंगे रेडी रहेगा, हार्ट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, दिल की बात करेंगे हम लोग दिल की बात करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कौन बेटा और कौन बेटी मन से पढ़ाए कहते हैं, बस मतलब आज यहीं तक, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कल, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।